गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसके पार्ट 2 के बारे में जिसका नाम है कूर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर को लिखा है लोकेश अबरोल साहब ने। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कूर्ग के जो चैप्टर का नाम है कूर्ग के बारे में हम बात करने वाले हैं, और ये कूर्ग की बहुत सारी फोटोग्राफ्स आपको यहाँ अपने स्क्रीन पे दिख रही होंगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, कूर्ग द ऑसम पैराडाइज ऑन अर्थ। देखिए कूर्ग को क्या कहा गया है, ऑसम पैराडाइज। पैराडाइज होता है स्टूडेंट्स स्वर्ग। ठीक है, धरती पर बहुत ही मतलब जबरदस्त वाला बहुत ही ऑसम जो है स्वर्ग माना गया है कूर्ग को, मतलब बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जगह है स्टूडेंट्स। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप सब का जरूर मन करेगा कि आप सब के सब कूर्ग घुमाएं। देखिए स्टूडेंट्स ये पिक्चर देखिए, कूर्ग इज आल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और कूर्ग देखिए यहाँ पे वाटरफॉल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसके अलावा यहाँ देखिए आप मसाले वगैरह हैं, यहाँ रिवर राफ्टिंग चल रही है, रिवर राफ्टिंग भी यहाँ होती है स्टूडेंट्स, और यहाँ आपको देखिए एलिफेंट्स वगैरह दिख जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास जिसमें हम कूर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि कूर्ग कैसी जगह है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर। ठीक है स्टूडेंट्स, डॉक्टर लोकेश अबरोल इज अ रीनोन्ड डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ठीक है, डॉक्टर लोकेश अबरोल है ये, और ये बहुत ही रीनोन्ड बहुत ही फेमस डॉक्टर है। ठीक है, एंड ही इज अ ट्रेवलर, डॉक्टर भी है ट्रेवलर भी है, एंड सोशल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हु लव्स इंडिया, इंडिया से इनको बहुत ज्यादा प्रेम है, एंड ही लाइक्स राइटिंग अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, और ये अलग अलग हिस्सों के बारे में लिखते हैं जहां पर भी ये विजिट करते हैं इंडिया के उनके बारे में ये लिखते हैं। He is also a social worker, ठीक है, ये एक social worker भी हैं। He established the first stray cow shelter in गुड़गांव, और इन्होंने गुड़गांव के अंदर जो है first stray cow shelter भी establish किया था। कूर्ग highlights his sharp observation, देखिए जो कूर्ग chapter है वो हमारे इस राइटर की शार्प ऑब्जर्वेशन को दर्शाता है, एंड द एबिलिटी फॉर अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वंडरफुल लैंड, और उनकी एबिलिटी को उनकी क्षमता को कि वो बहुत ही माइन्यूटली डिस्क्राइब कर देते हैं किसी भी चीज को, तो मतलब बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने यहाँ इस चैप्टर के अंदर कूर्ग के बारे में बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लेट स्टार्ट आर क्लास। कूर्ग, कूर्ग क्या है, कूर्ग इज अ कॉफी कंट्री, मतलब कूर्ग के अंदर देखिए स्टूडेंट्स ये कॉफी के कुछ इस तरीके से कॉफी उगती है। तो कूर्ग इज अ कॉफी कंट्री एंड इट इज फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, अपने रेन फॉरेस्ट के लिए एंड स्पाइसेस के लिए कूर्ग काफी फेमस है। अब बात करते हैं कि कूर्ग है कहाँ, मिडवे बिटवीन मैसूर, देखिए मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। राइटर कह रहा है कि बीच में मिडवे में है क्या, मैसूर और जो कोस्टल टाउन है मैंगलोर, मतलब मैंगलोर और मैसूर के बीच में है क्या, अ पीस ऑफ हेवन। राइटर कहता है कि एक स्वर्ग का एक टुकड़ा, मतलब यहां पर स्वर्ग का टुकड़ा राइटर हमारा कूर्ग को कह रहा है कि भाई मैसूर और मैंगलोर के बीच में है स्वर्ग का टुकड़ा। डेट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, आगे राइटर कहता है कि ये जो पीस ऑफ हेवन है ये पक्का ड्रिफ्ट किया हुआ कहां से, भगवान की जो किंगडम है, ठीक है, जहां भगवान शासन करते थे वहां से पक्का ये पीस ऑफ हेवन क्या हो गया, ड्रिफ्ट कर गया होगा। ड्रिफ्ट मतलब कैरीड अलोंग जेंटली बाय एयर, मतलब थोड़ा सरक गया होगा, हवा के साथ आ गया होगा यहाँ पे, ऐसा कहता है राइटर। मतलब राइटर का मानना है कि जो कूर्ग है वो कभी भगवान की किंगडम का हिस्सा रहा है, लेकिन वो वहां से ड्रिफ्ट करके ठीक है आ गया है। ठीक है, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited, inhabit होता है students रहना, by a profound race of martial men। ठीक है, आगे writer कहता है कि ये जो land है, it is also a land of rolling hills। यहाँ पर आपको क्या hills मिलेंगी, काफी सारी हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ मिलेंगी, और यहाँ पर inhabit करते हैं, inhabit मतलब होता रहना, by a proud race of martial men। यहाँ पे क्या है, proud race मिलेगी martial men की, martial होता है एक तरीके से concerning war, जो लोग क्या है ये लोग युद्ध में बहुत ज्यादा यू नो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज्यादा लोग बहादुर होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं
बहादुर आदमी रहते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है, खूबसूरत औरतें हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर और जंगली जानवर वगैरह आपको मिलते हैं। मतलब क्या है, यहाँ के जो मेल्स हैं वो काफी बहादुर हैं, मार्शल हैं, जो औरतें हैं काफी ब्यूटीफुल हैं, और वाइल्ड क्रिएचर्स आपको कूर्ग में देखने को मिलेंगे। कूर्ग और कोडागु भी कहते हैं, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर, और ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट्स कर्नाटका का। एंड इट इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, और यहाँ पर आपको हरे भरे जंगल मिलेंगे, मसाले मिलेंगे, कॉफी प्लांटेशन मिलेंगे। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका जो भी लैंड है उसके 30% एरिए पर आपको क्या मिलेंगे, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। ड्यूरिंग द मॉनसून, आगे कहता राइटर, मॉनसून के दौरान इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मॉनसून में यहाँ बहुत बरसात हो जाती है, जिस वजह से काफी सारे जो विजिटर्स हैं वो यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय, जॉय मतलब होती है स्टूडेंट्स खुशियां, और आगे राइटर कहता है जो खुशियों का जो सीजन है, इट इज कमेंसेस, कमेंसेस मतलब बिगिन, स्टार्ट होना, फ्रॉम सेप्टेम्बर। मतलब यहां पर अगर आपको घूमने आना है कूर्ग में, तो सबसे बढ़िया जो समय है घूमने के लिए वो क्या है, सेप्टेम्बर से मार्च तक, ठीक है स्टूडेंट्स। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम आपको यहाँ परफेक्ट मिलेगा, विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और बीच बीच में ठीक है थोड़ी बहुत बरसात भी आती है। द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, और हवा के अंदर राइटर कह रहा है आपको कॉफी की स्मेल मिलेगी, कॉफी की महक मिलेगी, और इस कॉफी की स्मेल को राइटर कहता है कि वो कैसी होती है, इनविगोरेटिंग होती है, मतलब स्ट्रेंथ गिविंग होती है, आपको एनर्जी मिलती है उस स्मेल से, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आपको ये जो है कॉफी की आपको हवा में फिजा में घुली हुई मिलेगी। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज, आगे राइटर कहता है कि जो कॉफी एस्टेट्स, जो कॉफी के जो बागान हैं, और कॉलोनियल मतलब अंग्रेजों की कॉलोनी थी उस टाइम के जो बंगले हैं, बंगलो आपको मिलेंगे, दे स्टैंड टक्ड, टक्ड होता है प्लेस्ड, अंडर ट्री कैनोपीज है ना, मतलब जो पेड़ है उनकी कैनोपीज के नीचे आपको मिलेंगे। कैनोपी होता है रूफ लाइफ कवरिंग, मतलब वो क्या है, उन बंगलोस को, ये जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ये उन बंगलोस को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है, इन प्राइम कॉर्नर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कूर्ग जो है इसको कोडागु नाम से भी जाना जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, काफी ज्यादा बरसात होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसकी 30% लैंड पे, काफी यहाँ बरसात होती है मॉनसून सीजन में, और घूमने के लिए जो बेस्ट सीजन है वो सेप्टेम्बर से मार्च के बीच में है। यहाँ पर आपको मैंने कहा ये जो जगह है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए काफी फेमस है, और यहाँ के लोग जो है वो काफी ज्यादा बहादुर होते हैं, ब्रेव होते हैं, ठीक है, वाइल्ड क्रीचर्स भी यहाँ काफी मिलते हैं, और ये जो जगह है मैसूर और मैंगलोर के बीच में है, ठीक है स्टूडेंट्स। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, आगे कहता है राइटर कि ये जो फियर्स जो इंडिपेंडेंट लोग हैं कूर्ग के जो लोग हैं वो काफी महान, उनको कहते हैं राइटर कि जो ये महान लोग हैं कूर्ग के, ये ग्रीक मतलब ग्रीस कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं या ये अरबी होंगे। डिसेंट मतलब ओरिजिन, मतलब यहाँ के लोग राइटर का मानना या तो ये इनके दादा परदादा क्या है ग्रीस से आए होंगे या अरब से, ठीक है। दो कहानियां हैं जरा देखते हैं। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, एक कहानी कहती है कि जो अलेक्जेंडर जब भारत आया था, सिकंदर जब भारत आया था, उस टाइम पर जो सिकंदर की जो आर्मी है इट वॉज मूविंग साउथ, वो साउथ में मूव कर रही थी अलोंग द कोस्ट, ठीक है, समुद्र के साथ साथ, एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर की जो आर्मी है, सिकंदर की जो आर्मी है सेटल कर गई, एंड वेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, कब सेटल कर गए, जब इनको लगा कि इसकी आर्मी को लगा सिकंदर की आर्मी को कि अब वापस जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो सिकंदर की आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो यहीं पर सेटल हो गए। दीज पीपल मैरिड अमंग अस द लोकल्स, और इन लोगों ने क्या है जो लोकल लोग हैं उनसे क्या है शादी कर ली, एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, और इन ग्रीस लोगों का, इन ग्रीक लोगों का जो कल्चर है वो साफ साफ नजर आता है इन लोगों की जो मार्शल जो ट्रेडिशन है, ठीक है, मैरिजों में, इनकी शादियों में, इनके जो रिलीजियस जो राइट्स होते हैं उनके अंदर, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, इनके जो ये शादियों के जो है रीति रिवाज है, राइटर कह रहा है
कि वो बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है हिंदू जो मेन स्ट्रीम जो ट्रेडिशन है उनसे। ठीक है, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन। देखिए ये तो पहली कहानी थी कि ये जो लोग हैं जो कुर्गी जो लोग हैं वो सिकंदर की आर्मी के कभी हुआ करते थे, पहली कहानी थी। और ये जो सिकंदर की आर्मी, मैंने कहा जब उनको लगा कि वापस नहीं लौट पाएगी तो सिकंदर की आर्मी के लोग यहीं पे सेटल हो गए और इन्होंने लोकल आदमी से शादी वगैरह कर ली। ठीक है, और इनका जो इनके जो रिलीजियस राइट्स है, इनकी जो मैरिज है, इनके जो ट्रेडिशन है वो काफी डिफरेंट है हिंदू मेन स्ट्रीम कल्चर से। ठीक है, तो पहली कहानी तो ये है कि जो कुर्गी लोग हैं वो ग्रीस, जो इनके जो पेरेंट्स हैं एंसेस्टर हैं वो ग्रीक थे। दूसरी जो कहानी है, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कुदाबूस। ठीक है, और जो अरब ओरिजिन की जो कहानी है, कि एक कहानी ये कहती है कि इनके जो कुर्गी लोग हैं इनके जो पेरेंट्स हैं वो अरबी थे। इस कहानी को जो बल मिलता है वो किस चीज से मिलता है, फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। देखिए एक लंबा सा, ये आपको दिख रहा होगा लंबा सा काला कोट ये लोग पहनते हैं, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न। और इनकी जो ये वेस्ट बेल्ट आपको दिख रही होगी स्टूडेंट्स, ये एम्ब्रॉयडर्ड है। ठीक है, ये इस टाइप की बेल्ट पहनते हैं कुदाबूस, तो नोन एज कूपिया। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कूपिया बोलते हैं। इट रिजेंबल्स द कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स। जो अरबी लोग हैं, देखिए ये जो काली सी ड्रेस है ना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस टाइप की कुछ ड्रेस जो है अरबी लोग भी पहनते हैं, और जो कुर्द लोग हैं उसी साइड के होते हैं अरबी साइड के, उसको कहते हैं कूफिया। ठीक है, कुर्गी होम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ड्रेस को देख के तो लगता है कि हाँ ये इनके जो दादा परदादा हैं वो निश्चित रूप से अरबी रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इन लोगों की बहादुरी को देखें, इन लोगों के रिलीजियस राइट्स को देखें, मैरिज फंक्शंस को देखें, तो इन लोगों को लगता है कि ये लोग क्या है, सिकंदर की आर्मी के। तो इस तरीके से दो कहानियां बड़ी प्रचलित हैं इन लोगों के बारे में। कुर्गीज होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। आगे बताता है राइटर, जो कुर्गी जो घर है, मतलब जो कुर्गी लोग हैं इनके घरों में हॉस्पिटैलिटी का, ठीक है, एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है। मतलब यहाँ के लोग जो अपने गेस्टों का स्वागत बड़ा अच्छे से करते हैं, बड़ा अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और ये जो लोग हैं वो क्या है, अपने बच्चों की, अपने बेटों की, अपने पिताजी की, जो उनके वैलर की जो कहानियां हैं, वैलर होता है बहादुरी की, ठीक है, अपने बेटों की, अपने पिताजी के जो बहादुरी की जो कहानियां हैं वो ये लोग क्या है, दूसरे लोगों को बड़ी चाव से सुनाते हैं, नैरेट करते हैं, रिकाउंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। अगर राइटर कह रहा है कि जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज्यादा डेकोरेटेड जो रेजिमेंट्स है इंडियन आर्मी में उनमें से है। अभी डेकोरेटेड क्या होता है, हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। मतलब कुर्गी लोगों को काफी ज्यादा जो है अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं इनकी बहादुरी के लिए इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी का जो पहला जो इंडियन आर्मी का जो चीफ था, जिनका नाम क्या था, जनरल करियप्पा, ही वॉज ऑल्सो अ कुर्गी। जनरल करियप्पा अभी क्या है, एक कुर्गी थे, मतलब वो भी कुर्ग के रहने वाले थे। तो आप इस चीज से देखिए, देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो कुर्गी लोग हैं वो कितने ज्यादा बहादुर होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है किसकी, जनरल, ठीक है, जनरल करियप्पा जी की। और ये देखिए 37 कुर्ग एंटी टैंक रेजिमेंट, तो मतलब जो कुर्गी लोग हैं वो अपनी ब्रेवरी के लिए भी काफी फेमस है। ठीक है, इवन नाउ कुदाबूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आगे राइटर कहता है कि आज भी जो कुदाबूस है, मतलब जो कुर्गी लोग हैं, वो सिर्फ इकलौते लोग हैं इंडिया के अंदर जिनको की परमिशन है किस चीज की, टू कैरी फायर आर्म्स, कि वो अपने साथ वेपन्स रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। द रिवर कावेरी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कावेरी नदी है, इट ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। ठीक है, कावेरी नदी को जो पानी है वो कहाँ से मिलता है, जो यहाँ की जो हिल्स हैं, कुर्गी हिल्स हैं, वहां से मिलता है, और कुर्ग के जंगलों से। महासीर, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको फिश दिख रही है, ये है महासीर। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। ठीक है, यहाँ का जो पानी है, ठीक है,
इस पानी में क्या है, महाशेर नाम की मछली मिलती है और काफी ज्यादा मिलती है, ठीक है, बहुत बड़ी मछली होती है महाशेर नाम की मछली स्टूडेंट्स। किंग फिशर्स डाई फॉर देयर कैच। और ये स्टूडेंट्स ये देखिए किंग फिशर बर्ड है, ये जो किंग फिशर बर्ड है स्टूडेंट्स, इसकी खासियत होती है कि ये फिश के चक्करों में, मतलब अपने शिकार के चक्करों में, फिश को खाता है ये स्टूडेंट्स, अपने शिकार के चक्करों में ये पानी में भी कूद जाता है। तो जो किंग फिशर्स है दे डाइव फॉर देयर कैच, ये अपने कैच के लिए कूद जाते हैं पानी के अंदर। वाइल्ड स्क्विरल्स, देखिए स्क्विरल्स हैं स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप देखो स्क्विरल दिख रही है। एंड लंगूर, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ लंगूर भी मिलते हैं। दे ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश। ये लोग क्या करते हैं, जो गिलहरी होती है या लंगूर है वो थोड़ा बहुत फ्रूट खाके बाकी के फ्रूट को क्या है, शरारत, मिसचीफ होता है स्टूडेंट शरारत, शरारत करने के लिए वो क्या है पानी में डाल देते हैं। और शरारत क्या होती है कि पानी में जब वो फ्रूट पड़ता है तो क्या होता है स्प्लैश, ठीक है, एकदम से पानी सा थोड़ा सा बाहर निकलता है। एंड द रिपल, रिपल आप जानते हो जो लहरें सी बनती हैं उसको रिपल कहते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में, ठीक है, इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से पानी में डाल देते हैं और उसको जो है ये फिर इंजॉय करते हैं गिलहरी और ये लंगूर। एलिफेंट्स इंजॉय बींग बैथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। एलिफेंट्स वगैरह जो यहाँ के हैं, ठीक है, ये भी बड़ा इंजॉय करते हैं जब इनको नहलाया जाता है। एंड व्हेन दे आर स्क्रब्ड, ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप ये इनके जो माउथ है यहाँ इनको स्क्रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है, इनके जो माउथ है, माउथ होता है अ पर्सन हु वर्क्स विद राइड्स एंड टेंट्स एंड एलिफेंट, एक ऐसा इंसान जो एलिफेंट की पूरी देखभाल करता है, उसकी सवारी करता है, ठीक है, उसकी मतलब पूरी नीड्स को पूरी करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको हाथी मिलेंगे, गिलहरी मिलेगी, लंगूर मिलेंगे, किंगफिशर मिलेंगी, महाशेर नाम की फिश मिलेगी, तो ये काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। आगे राइटर कह रहा है कि जो मोस्ट लेड बैक है, लेड बैक मतलब रिलैक्स, जो सबसे ज्यादा जो रिलैक्स्ड जो इंसान है वो यहाँ पे आते ही कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, हाई एनर्जी एडवेंचर्स में लिप्त हो जाते हैं यहाँ पे आते आदमी। और वो यहाँ पे आके क्या काम करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये है रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, कैनोइंग होता है स्टूडेंट्स ये इस तरीके से बोट चलाना पानी के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ के लोग जो है जो रिलैक्स इंडिविजुअल है यहाँ आते हैं और हाई एनर्जी एडवेंचर वाले गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग, आगे बताऊंगा मैं आपको, रॉक क्लाइंबिंग होती है, माउंटेन बाइकिंग होती है, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, और यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉकिंग ट्रेल्स भी है। वॉकिंग ट्रेल्स क्या होती है, पाथ फॉर वॉकिंग, ठीक है, चलने के लिए जो रास्ते होते हैं यहाँ पे अवेलेबल है इस इलाके में। दे आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, ये जो है इलाका काफी फेवरेट है ट्रैकर्स का भी, ट्रैकिंग के लिए लोग यहाँ आते हैं, इन वॉकिंग ट्रेल्स पे चलते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स पक्षी मिलेंगे, यहाँ पे मधुमक्खियां मिलेंगी, बटरफ्लाइज मिलेंगी जो कि आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। मकाउज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, और यहाँ पर आपको मकाऊ मिलेंगे, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज मिलेंगी जो कि आपको क्या है पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे देखिए मकाऊ, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरीज, स्टूडेंट्स ऑल दीज आर वाइल्ड क्रिएचर्स, ये आपको पेड़ के ऊपर से बैठ के देखेंगे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, ठीक है, हालांकि हमारा राइटर कह रहा है कि मैं प्रेफर करता हूँ इनसे दूर रहना, ठीक है, समझ रहे हो। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, ठीक है, हमारे राइटर को क्या पसंद है, वाइल्ड एलिफेंट्स पसंद है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये है मकाओ, ठीक है, दिख रहे हैं लंगूर सा बंदर, अजीब सा बंदर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये होता है माउंटेन बाइकिंग, यहाँ पर लोग इंजॉय करते हैं। ये है रैपलिंग, इस तरीके से रस्सा पकड़ के पहाड़ पे चढ़ना। देन स्टूडेंट्स ये देखिए रॉक क्लाइंबिंग है, ये इंसान रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बटरफ्लाइज वगैरह आपको, बर्ड्स वगैरह काफी सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। अब अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रह्मागिरी नाम से हिल्स भी हैं, अगर आप इन ब्रह्मागिरी हिल्स पे चढ़ते हो तो आप वहां से एक पैनोरामिक व्यू देख सकते हो। मतलब पैनोरामिक व्यू क्या होता है,
व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, मतलब काफी ज्यादा आप लैंड यहाँ इस पहाड़ की चोटी से देख पाओगे। ऑफ द एंटायर मिस्टी, मिस्टी होता है स्टूडेंट्स धुंधला लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। आप जानते हो पहाड़ों पे जब हम जाते हैं तो बादल इस एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो ऐसा लगता है कि धुंध ने कवर कर लिया हो, इस तरीके से आप इलाका देख सकते हैं। अब वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, और अगर आप थोड़ा सा घूमते फिरते हुए जाओ रोप ब्रिज से क्रॉस करते हुए, इट लीड्स टू द 64 एकर, आप आगे जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, 64 एकड़ में बना हुआ एक आइलैंड है जिसका नाम है निसर्ग धामा। क्या नाम है स्टूडेंट्स, निसर्ग धामा। रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मॉन्ग्स फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, और यह निसर्ग धामा में बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट मॉन्ग आपको मिलेंगे, बौद्ध भिक्षु मिलेंगे, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर सेटल हो गए हैं तिब्बत से आके, एट नियर बाय बाइलाकुपे, ठीक है, बाइलाकुपे के नजदीक, मतलब इनको देखना भी यहाँ पर एक क्या है, बोनस है। द मॉन्ग्स इन रेड ऑक्र एंड येलो रोब्स आर अमंगस द मैनी सरप्राइजेस डेट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। आगे कहता है राइटर, जो मॉन्ग्स हैं यहाँ पे आपको लाल रंग की दिखे इस टाइप से, ठीक है ना, ऑक्र पेलो ब्राउनिश येलो, देखिए आपको इनकी थोड़ी लाल सी थोड़ी ये पीली टाइप की ड्रेस मिल जाएगी, ठीक है, ये जो क्या है काफी मतलब उन सरप्राइजेस में से है जो कि यहाँ आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं किस चीज की सर्च में, भारत के हार्ट और सोल की सर्च में कूर्ग के अंदर, तो आप निराश नहीं होंगे, आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस तरीके से मॉनेस्ट्री वगैरह है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भिक्षु वगैरह आपको दोनों में दिख रहे होंगे, ठीक है, इस टाइप का ये निसर्ग धामा आइलैंड है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये इनकी वर्शिपिंग प्लेस है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ था कूर्ग के बारे में, क्या था कूर्ग के अंदर आप देख सकते हैं, वहां के लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, वहां वाला कूर्ग अपने मसालों के लिए, अपने यू नो बुद्धिस्ट मॉन्ग के लिए है ना, और यू नो रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, मतलब काफी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ होते हैं, तो इन सब के लिए कूर्ग काफी फेमस है, यहाँ के लोग काफी बहादुर भी होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और हमारे आर्मी के फर्स्ट जनरल जो थे हैं, आर्मी चीफ जो थे जनरल करियप्पा वो भी कूर्ग ही थे स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हाउ टू रीच, ठीक है, अगर आपको जाना है कूर्ग तो जरा ये भी बता दूं मैं आपको कि कूर्ग आप कैसे पहुंच सकते हो, मदिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज ओनली गेट वे टू कूर्ग, अगर आपको कूर्ग जाना है तो मदिकेरी से ही होके जाना पड़ेगा। द मिस्टी हिल्स लश ग्रीन लश फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशंस विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, जब आप यहाँ आओगे तो मिस्टी हिल्स धुंधली जो हिल्स हैं है ना, लश ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, कॉफी प्लांटेशंस मिलेंगे, ये सब आपके ऊपर क्या है, दे विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, ये आप पे जादू कर देंगे, ठीक है। फाइंड अ रिजॉर्ट, यहाँ आप यहाँ ये कोई रिजॉर्ट ढूंढिए, कॉफी एस्टेट और स्टे इन अ होम फॉर ट्रूली कूर्गी एक्सपीरियंस, यहाँ आप आओ तो ठीक है किसी घर में रुक जाएं, ठीक है, किसी के लिए अगर आप वास्तव में आपको कूर्गी एक्सपीरियंस चाहिए तो, ठीक है। अब यहाँ आना है तो बाय एयर आएंगे तो कैसे आ सकते हैं, तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ मैंगलोर है स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ से 135 किलोमीटर दूर है और बैंगलोर यहाँ से 260 किलोमीटर है। देर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, मुंबई से मैंगलोर के लिए आपको फ्लाइट्स मिल सकती हैं, एंड टू बैंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, और बैंगलोर के लिए फ्लाइट्स आपको अहमदाबाद से, चेन्नई दिल्ली से मिल सकती है, गोवा वगैरह, हैदराबाद कोची कोलकाता मुंबई एंड पुणे, मतलब यहाँ से आप फ्लाइट पकड़ के बैंगलोर आ सकते हो, फिर बैंगलोर से फिर आप जो है कूर्ग जा सकते हैं, या आप जो है मैंगलोर आ सकते हैं उसके बाद कूर्ग जा सकते हैं। तो मैंगलोर के लिए फ्लाइट आपको सिर्फ मुंबई से ही मिलेगी, और बाकी जो है बैंगलोर के लिए आप काफी सारी सिटीज से फ्लाइट पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रेल से जाना हो तो नियरेस्ट रेल हेड है क्या है, मैसूर है, मैंगलोर है और हसन, और अगर आपको बाय रोड आना हो तो दो रूट हैं कूर्ग जाने के लिए, ठीक है, बैंगलोर से, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, दोनों के दोनों जो रूट है, ठीक है, उनसे आओगे तो सेम डिस्टेंस पड़ता है, लगभग 250 से 260 किलोमीटर के बीच। द रूट वाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वन, ठीक है, और सबसे जो फ्रीक्वेंटली जो यूज्ड जो रूट है वो क्या है, मैसूर से होते हुए होके जाना। द अदर रूट इज नीलमंगल कुनिंगल एंड चंद्रयन पटना, ठीक है, जो दूसरा रूट है वो आप नीलमंगल कुनिंगल और चंद्रयन
पटना से होता हुआ भी आप जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप कूर्ग में पहुंच सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए कूर्ग स्टूडेंट्स, ये एक व्यू है, काफी दिखने में अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा व्यू है स्टूडेंट्स कूर्ग का। तो उम्मीद करता हूँ कूर्ग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कूर्ग की ब्यूटी देख के आप दीवाने हो गए होंगे कूर्ग का, और आप जल्द ही एक प्लान बनाएंगे कूर्ग जाने का स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो स्टूडेंट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और स्टूडेंट्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यू नो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि मेरी इस यू नो वीडियो का बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, और वो भी अच्छे मार्क्स आ गए अपने एग्जाम में गेन कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर लेके हाजिर हूँगा स्टूडेंट्स बहुत ही जल्दी। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।